guys, welcome back to another vlog. I don't know what the day it will be, but whatever it will be, I'll show you and I'll face it. आज मम्मी भैया बहुत तगड़ा सबके लिए भी है प्याज प्याज जो कटा हुआ है प्याज वो प्याज का पराठा बनाया लो जल्दी जल्दी और ये सब्जी रखोगे ढेर सारे प्याज के पराठे पैक हो रहे हैं मम्मी पैक कर रही हैं और अब ये लोग थोड़ा थोड़ा सुधर रहे हैं गाइस अब टाइम से ये लोग चल रहे हैं नहीं तो भाई चाय लेकर के और उसके बाद जो है दो मिनट पहले एक मिनट पहले इस तरीके से स्कूल जाते थे अब तो चलो सब लोग पंचुअल हो रहे हैं धीरे धीरे तो अब दिवाली का गाइस एकदम जबरदस्त माहौल हो गया है शुरू और आज इन लोगों का आखिरी स्कूल का डे है बिफोर फेस्टिव हॉलीडेज तो अब ये विनय जो है पटाखा वटाखा लेकर के आज जा रहे हैं स्कूल में विनय पटाखा वटाखा रख लिया ना अरे तुम तो शुरू भी हो गए भाई अरे कान बंद करो 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 अरे दादा भैया तुम्हारा तो यार शुरुआत तो हो ही गई है एकदम तुम क्यों इतने वो हो रहे हो नहीं नो अंदर आओ चलो चलो अंदर गाइस हैरिस बार बार बता रहे हैं हमें भी लेके चलो हमें भी लेके चलो तो ये जो ऐसे ऐसे इंडिकेशन है ना वो स्कूल ले जाने का इंडिकेशन है क्या हैरिस क्या हुआ क्या करना है कहाँ चलना है क्या हुआ क्या जान लीजिए हैरिस जो है नहीं जा पाएगा अब अगले दिन लेके चलेंगे ना ये बात तो गाइस आज विनय अपना मॉडल भी लेके चल रहे हैं ना विनय का प्रोजेक्ट रेडी हो गया कल रात में हम लोगों ने बनाया इसको और ये है गाइस ये है हमारा सोलर पैनल और ये बैटरियां लगी हुई हैं ये दो मोटर हैं यहाँ से हवा आएगी अंदर बर्फ रहेगा तो यही प्रोजेक्ट है इनका तो गाइस खुशी विनय को छोड़ दिया और यार आज बहुत अच्छा रास्ता पता चल गया है इन लोगों को मतलब कि ऐसे ही जाओ फिर आगे से आप वैसे राउंड से घूम करके ना एक तरफ से जाओ फिर आगे से आप निकल सकते हो तो उस वाले रास्ते से आपसे चलेंगे रोड पे छोड़ देता था इन लोगों को लेकिन अब अंदर से एकदम गोल से घूम करके आएंगे गाइस धनतेरस की शॉपिंग और दुकान लगनी शुरू हो गई है सुबह सुबह से ही बिकॉज धनतेरस कल है और देखिए सारी दुकानें बर्तन वगैरह सब एकदम लगना शुरू हो गया है इस घर आ गए हैं और अखबार भी ले लेते हैं यहाँ से अखबार वाले अंकल जी भी अभी मैं जा रहा था बिना कुछ छोड़ने तो सामने से आ रहे थे धन्वंतरी है ओम धन्वंतरे नमः धनतेरस माफ कर दो लल्लू किसी और दिन चलेंगे उसका प्रोजेक्ट भी जाना था आज ना इसी वजह से समझा करो मैं जान रहा हूँ मेरी गलती है बाबू मेरा बच्चा मम्मी क्या बता रही है उनकी गाँव वाली सादगी इनके मुँह से आप सुनिए ये क्या बता रही है बोल जब दिया स्कूल जाते थे हाँ तो मेरे साथ बच्चे जो थे उनके पास चप्पल उप्पल नहीं हुआ करता था जूता उता नहीं हुआ करता था वो लोग नंगे पैर स्कूल जाते थे हाँ। तो हम भी क्या किए थे कि अपना चप्पल घर में रख दिए थे जब बाहर बाहर जाते थे कभी तभी पहनते थे और स्कूल नहीं जाते थे पहन के क्योंकि उन लोगों के साथ जाना पड़ता था तभी उन लोग पहन के नहीं जाते थे यहाँ तक कि अगर हमारा नया फ्रॉक आए नया स्वेटर आए तो हम जब छुट्टी होती थी तब उसको निकालते थे थोड़ा पुराना हो जाए तब पहन के जाए क्योंकि मेरे साथ की सहेलियाँ वो लोग नहीं नया पहनते देखते थे तो हम अपना रख जब छुट्टी हो तो पहन लें और वो भी हमारी बचपन की बात बता रहे हैं मम्मी सब में मिलने के लिए सबसे एकजुट एक तरह से रहे एक समान रहे किसी को ये ना महसूस हो कि वो गरीब है या फिर आप ठीक ठाक हो या आप ठीक ठाक हो उसको किसी को मतलब वो ऐसा महसूस नहीं होने देने के लिए मम्मी ऐसा करती थी और पता है वो ऐसा नहीं था और सोचो तब वो बहुत छोटी थी तब उनका वो दिमाग नहीं था कि ये दिमाग नहीं था इस तरीके का वो नेचुरली करती थी कि हम चप्पल नहीं पहन के जाती थी वो नया कपड़ा आता था तो जब पुराना हो जाए तब पहनती थी तो मम्मी भी का भी बहुत अच्छा माइंड सेट है गाइस अब हैरिस जो है इतने समय आ गए मेरे तखत पे जो हमारा तखत बनाया गया है जब तक पेंटिंग चल रही है अब तखत के ऊपर आकर के आराम से बैठे हुए हैं पार्टनर क्या कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम आपको बताइए तब भी क्या कर रहे हैं कुछ पढ़ रहे हैं किसी को कैसे फोन उन पे किसी से बात कह रहे हैं कि अपने आप से कह रहे हैं फोन पे कह रहे होंगे किसी से कह रहे होंगे क्या पूजा
किसी से बात वत कर रहे हैं क्या? पता नहीं, मालूम नहीं, हम देख ही नहीं। कान में ईयरफोन लगाए हैं वैसे? तो फिर फोन पे कर रहे हैं। फोन पे? फोन पे भी करते हैं क्या? जी। अच्छा अच्छा, तो ठीक कर रहे होंगे। अच्छा, किसी को ठीक कर रहे होंगे फोन पे। अच्छा, आ गए भाई स्कूल से। तुम तो यार पटाखा वटाखा लेके एकदम शुरू हो गए हो। कैसे 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 हो रहा है आज? मैं तो चार वहीं पे गिर गया है। सब लोगों की लग रहा है दिवाली आज ही से शुरू हो गई है बिना के स्कूल से, और आप देख ही रहे हैं। चलो अंदर। दगाने से डर नहीं, बस पीछे आवाज जब कोई और दगाता तो उससे डर लगता है। प्रोजेक्ट कैसा रहा भाई? हो गया प्रोजेक्ट, अभी लाते लाते इसका ये हो गया। ये दूसरे नोट दे दीजिए, फटी है। सुबह ले गए थे ना, ये देखिए कैसे नोट दिए गया था मुझे। दूसरा दे दीजिए रिप्लेस करके। चीटिंग भी करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। अब जब अच्छी नोट उन्होंने दे दी तो कह रहे हैं कि देख लीजिए अब वापस नहीं हो पाएगी, और पता नहीं हमारे यहाँ था कि नहीं। हम कहें सुबह से आप ही की दुकान पे आए हैं, आज छः दिन से आ रहे हैं सामान लेने पेंटिंग वाला। इतनी पुरानी नोट गली अगर होती ना तो क्यों वापस ही करने आते? ये तो जिसके यहाँ दो तो लोग कहेंगे हम नहीं लेंगे हम नहीं लेंगे। फिर याद किया मैंने कि इन्हीं के यहाँ से सुबह मैंने पेंट खरीदा था, यहीं से लिया था, तो गाइस वापस किया। बने बहुत ही लोग मतलब गलती करते, फिर नक्शा भी मारते हैं अजीब टाइप का, कह रहे हैं जैसे बेइज्जती कर रहे हैं। भैया यार तुमने गली नोट दी थी, तुम वापस कर ले लो बस। हम अगर मेरे पास वही नोट होती तो आप एक्सेप्ट करते क्या अपने दुकान पे? सिंपल भाई, भीड़ बहुत है यार भाई। इसी भीड़ में तो ट्रैफिक में बाइक चलाने का जो मज़ा है ना वो और कहीं नहीं होगा। तो गाइस रास्ते में जा रहे थे, एक अनयूजुअल सी दुकान दिख गई, मस्त एकदम हॉट डॉग की है, दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर खाते हैं हॉट डॉग, देखते हैं कैसा है, टेस्ट करते हैं। हेलो, लक्ष्मी जी और गणेश जी और कुबेर जी और हनुमान जी की मूर्तियाँ लेने आ गए हैं बढ़िया दुकान से। अब यहाँ से छोटे छोटे लेंगे हम लोग, बड़े बड़े साइज के नहीं चाहिए ना, उसी आकार में हनुमान जी भी और कुबेर जी। और गाइस अब हम लोग आ गए हैं एकदम पूरे घने चौक में, यहाँ पर इतनी आवाज़ हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। गाइस हम लोग लेने जा रहे हैं धनतेरस के दिन चद्दर बेडशीट। अब चलते हैं बेडशीट लेते हैं। अजीबो गरीब शॉपिंग हो रही है गाइस आज। और ऑप्शंस देखो तो मुझे अच्छा। अच्छा, हमारा चद्दर उद्दर वाली शॉपिंग हो गई। सिंगल बेड के लिए दो ले लिया, डबल बेड के लिए दो ले लिया, और धनतेरस के दिन ये सारी चीज़ें खरीदी जा रही है। थोड़ा शुभ ही काम हो रहा है सारा। लेकिन ये है कि बर्तन का कुछ सामान लेना चाहिए, लेकिन झाड़ू सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन झाड़ू हमने सुबह ही ले ली थी, झाड़ू आज बहुत बिकता है धनतेरस वाले दिन। गाइस सबसे बड़ी समस्या चौक में ये होती है ना पार्किंग की, और पार्किंग यहाँ नहीं मिलती, तो इस वजह से हमने इतनी दूर बाइक अपनी खड़ी की है, और डर लगी हुई है कहीं कोई पुलिस वाले आगे पीछे ना कर दे। भूल गए हैं वहीं पर दुकान पे, जहाँ से चद्दर लिया वहाँ मूर्ति ही भूल गए। अब चलते हैं मूर्ति लेके आते हैं। गाइस ना यही होता है, दिमाग से ही भूल जाते हैं, मिल गई मूर्ति कहीं जाएगी नहीं। गाइस आप एक चीज़ और भूल गए उसी सेम दुकान पे, हेलमेट अपना। हद है, आज इतना ज़्यादा रश है ना, दिमाग से सारी चीज़ें उतर जा रही हैं। विनय लेके आ रहा है हेलमेट। आखिरी में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान अब बचा है, वो है दिया। और दिया और दिया तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, दिया लेने आ गए हैं, और हमको लेना है 100 दिए। 100 पीस दे दीजिए, लेकिन टूटा ना रहे बस। तो गाइस एक्चुअली हुआ क्या ना, हम लोग धनतेरस के मुहूर्त में गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो 6:30 बजे से वो शुरू हुआ था, तो उसी समय इतनी भीड़ हो गई थी, सभी लोग झाड़ू लेके खरीद रहे जा रहे थे। अब गाइस क्योंकि मुहूर्त शुरू हो गया था ना धनतेरस का, तो मुहूर्त में हम लोगों ने भी सारा शॉपिंग वगैरह कर लिया। और धनतेरस का गाइस कुछ स्पेशल चीज नहीं खरीदा, बिकॉज स्पेशल झाड़ू होना चाहिए, और प्लस जो है वैसे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं लिया। लेकिन स्पेशल में क्या, चद्दर ले लिए, और झाड़ू होता है गाइस इंपॉर्टेंट होता है झाड़ू, तो झाड़ू ले लिए, और बाकी जो है सारी चीज़ें आपने देखी क्या क्या खरीदे। तो हमारी धनतेरस वाली शॉपिंग हुई यार। अभी हमारे घर पे लाइटनिंग नहीं लगी हुई है लाइट्स, लेकिन उसको लगाएंगे कल सुबह यार, बिकॉज आज घर में इतना पेंटिंग वेंटिंग हो रहा था ना, टाइम ही नहीं मिला यार करने के लिए। लेकिन अब कल सुबह करेंगे, लाइट वाइट लगा देंगे अपना आराम से। सो गाइस अब सबको दिखाने जा रहे हैं जो हम लोग चद्दर लेकर के आए हैं अपना, अब देखते हैं क्या रिएक्शन रहता। तो सबसे महंगा चद्दर हमारा है ये, कैसा है मम्मी? अच्छा है, जो भी लिए हो तुम्हारे पापा खरीदारी करवाना सिखा रहे हैं। नहीं हमें पता है खरीदारी, लेकिन तब भी देख लीजिए कैसा है। पोछा लगाए हैं साफ करके। हाँ अब लाइट वाले आ रहे हैं। अच्छा नहीं लगता ना मम्मी? नहीं अच्छा लगता, मुझे भी गाइस अच्छा नहीं लगता। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे सब कुछ पहले हो जाए ना, त्योहार वाले समय थोड़ा घर खाली ही रहे।
अच्छा। ये सारी लाइट लग गई आज हमारे घर में, अभी ये फुल कंप्लीट हो गया। सो गाइस आपको चलिए दिखाते हैं कि धनतेरस के दिन हमारे घर में क्या खरीदा गया है, मतलब क्या परिवर्तन आया, क्या नया हुआ है और क्या शुभ हुआ है। तो देखिए मेरा घर कमरा ये वाला फुल कंप्लीट हो गया गाइस, देखिए कितना मस्त लग रहा है ये घर बनने के 6 से 7 साल बाद आज पहली बार हमारे घर की लाइटिंग कंप्लीट हुई है। तो थैंक यू धन्वंतरी भगवान को, कुबेर भगवान को, लक्ष्मी माता को, गणेश भगवान को, सारे देवी देवताओं को कि हमारी आज का दिन जो हमारा दिन है वो गई सफल हुआ और ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। आप कह रही हैं आप बहुत थक गई हैं आज। थक गए फिर सुबह मेहनत करना, लेकिन अभी तो थक गई हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूँ गाइस, मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई है तो मम्मी को मैं बता रहा हूँ एक पोजीशन में सोने के लिए, क्योंकि तो अपना पैर ऐसे कर लो, अपना पैर ऐसे करके सोना बेड पे, और अपना जो पैर और अपना हाथ जो होगा उसको ऐसे करके सोना है ऐसे, ठीक है। तो उसको वो समझ नहीं पा रही है तो मैं बताता हूँ कैसे सोना तभी आराम मिलेगा। ऐसे गाइस पैर का पोजीशन ऐसा रहना चाहिए ऐसे, मतलब जितना चौड़ा फैल पाए, और गाइस हाथ का पोजीशन, दोनों हाथ का पोजीशन ऐसे होना चाहिए, मतलब ऐसे जा करके पड़िए बेड पे छपाक से कि सुबह तक सोते रहिए, सोते रहिए, 8 बजे उठिए आराम से और सारा दर्द आपके शरीर का सही हो जाएगा, ठीक है। समझिए ना मेरे कहने, मतलब एकदम अपने बॉडी को रिलैक्स करके आप हाथ पैर फैला करके सो जाइए, इससे अच्छा कोई इलाज हो सकता है। कोई बात नहीं, हम गाइस अंदर कर लेंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस हमारे यहाँ पेंटिंग ना सारे टाइम चल रही है, पेंटिंग शुरू हो गई तो दिवाली भी हो रहा है, धनतेरस भी हो रहा है, सब कुछ, लेकिन पेंटिंग अब चूंकि 7 साल के बाद कोई चीज किसी अच्छे मुहूर्त में शुरू हुआ है ईश्वर की कृपा से, तो अब वो गाइस उस पर ये नहीं देखा जा रहा है कि त्यौहार आ रहा है कि नहीं, बस कंप्लीट हो जाए हमारा, और अच्छी भी बात है गाइस, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस अब सोते हैं हम, कल आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बाय बाय बाय।